ट्रांसप्लांट का मतलब क्या है, ट्रांसप्लांट से फायदा होगा कि नहीं होगा, उस बात में सुन लीजिए। मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं जिनका किडनी ट्रांसप्लांट वाले, जिनका किडनी एक साल के अंदर फेल हो जाता है दोबारा, फिर वो एक और किसी को पकड़ते हैं कि भाई इनका किडनी हमें मिल जाएगा किसी और रिश्तेदार को, तो ये चलता रहता है राइट। तो मैं आपको ट्रांसप्लांट किडनी क्यों फेल होती है और कब फेल नहीं होगी और कब फेल होगी, इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, उदाहरण से समझाता हूं आपको। अब देखिए लीवर की बात कर रहे थे आपसे, लीवर के जो पेशेंट है वो अभी शिकायत कर रहे थे कि लीवर की हमने कोई बात नहीं की। चलो लीवर की बात कर लेते हैं, प्रिंसिपल सारे सेम है, उसमें वर्ड लीवर का आ जाए। ये आपका लीवर है, मान लीजिए आपका ऑर्गन है लीवर है ये बॉडी के अंदर, जो कि फेल हो चुकी है, खराब हो चुकी है। अब डॉक्टर बोल रहे कि ये लीवर खराब हो गया है, ये हरा भरा नहीं है, हरा भरा नहीं है ना, तो ये किसी का लीवर है जो कि हरा भरा है, इस लीवर को उठा के यहाँ डाल देते हैं राइट। तो आप बोलते ठीक है लीवर ट्रांसप्लांट, ठीक है ना, तो यहाँ को लिया मैंने और आपके बॉडी में ये ट्रांसप्लांट कर दिया। हाँ भाई दिखने में हरा भरा ही है, कुछ दिन तक रहेगा, उसके बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे सूख जाएगा लीवर। क्यों? क्योंकि पहले वाला अगर सूख गया है तो उसके एनवायरमेंट ठीक नहीं था। अब कितना भी अच्छा लीवर लेके डालेंगे, एनवायरमेंट को ठीक नहीं करेंगे, दूसरा और सूखेगा राइट, समझे इसको। मेरे घर में बाद में 7th फ्लोर में रहता हूँ, मैं देखता हूँ नीचे से पेड़ उठा के लाते हैं हरा भरा है, और बाल्टी में लगा दिया फिर सूख गया, फिर दूसरा लाया फिर सूख गया। तो दोष उस प्लांट का नहीं है, दोष उस जगह का है। अगर उस जगह जहां मैं अपनी बाग में लगा रहा हूं, वहां ठीक से मैं अगर पानी नहीं दूंगा उसमें, ठीक से अगर मैं उसको उपजाऊ मिट्टी नहीं दूंगा तो वो सूख जाएगा राइट। अब कितने पेड़ लगा दूं कि वो पेड़ उगने लगेगा, ठीक रहेगा, कितने नहीं मैंने लगा रहे, वो सारे ही अल्टीमेटली खराब ही होंगे। तो यह बात हमें समझना पड़ेगा कि भाई ट्रांसप्लांट करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो पहले वाला वो ऑर्गन है दैट इज नॉट फंक्शनिंग। अब हम क्यों नहीं फंक्शन कर रही, क्योंकि उसका एनवायरमेंट ठीक नहीं है ना। अब दूसरा वाला लेके अगर ये लेके अगर खराब एनवायरमेंट डालेंगे तो वो कैसे पनपेगा? शुरू में तो वो ठीक दिखाई देगा, क्योंकि शुरू में तो हरा भरा ही लेके आए थे तो ठीक दिखाई देगा। कई बार पेशेंट बोलते हैं कि पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पहले सब कुछ ठीक ही चलता है राइट, लेकिन अल्टीमेटली इसको खुराक कुछ दिनों के बाद इसी से चाहिए, जहां तक वो ट्रांसप्लांटेड हुआ है खुराक तो है ही नहीं वहां पे, तो दिस विल ऑल्सो डाई इट्स ओन डेथ। अब क्या है कि एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझिए। कुछ ऐसे परसेंटेज ऑफ लोग मिलेंगे जिनको ट्रांसप्लांट हो गया किडनी या लिवर, और वो ठीक भी है सालों साल तक। मैंने ये देखा और मैं आपको आज समझाऊंगा कि कई बार लीवर में और किडनी में कोई दिक्कत होती ही नहीं है, सिर्फ रिपोर्ट्स के बेसिस पे आपको लगता है दिक्कत है, ट्रांसप्लांट कर दो, और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री तो है ही राइट। तो ऐसे में जब दिक्कत ही नहीं थी तब आपने एक और अच्छा सा, जब दिक्कत नहीं थी वो वाला लीवर भी ठीक था और तब भी ट्रांसप्लांट कर दिया, तो एनीवे वो ठीक ही था। तो ऐसे लोग होंगे जिनको ट्रांसप्लांट और लीवर उनको लगेगा सक्सेस स्टोरी है, बल्कि एट द वेरी फर्स्ट प्लेस उनको कोई दिक्कत ही नहीं थी। उनको दिक्कत थी तो सिर्फ उस रिपोर्ट के माध्यम से दिक्कत थी, वो रिपोर्ट बता रहा था दिक्कत है, सिम्टम नहीं बता रहे। तो रिपोर्ट कैन बी मिसलीडिंग। कैसे पता ये पौधा ठीक है? क्या आपने इसका कोई टेस्ट कराया, इसका कोई ब्लड रिपोर्ट या कोई और रिपोर्ट? कैसे पता? अब क्या हाउस देख रहे हरा भरा है तो ठीक ही है, ऐसे ही पता है ना, या सो गए तो खुशबू आएगी तो ठीक ही है, कीड़े मकोड़े नहीं लग रहे, छेद नहीं है पेड़ पौधे में तो ठीक ही है। तो कैसे पता चलता कोई पौधा मर गया है, कोई पौधा मरने वाला है, कोई पौधा उगा हुआ है? आप उसको फिजिकली इंस्पेक्ट करते हैं तो पता चल जाता है राइट। तो कैसे पता चलेगा आप ठीक हो रहे हैं नहीं ठीक हो रहे हैं? आई रिपीट, पैमाना यही है कि आपको जो दिक्कतें आ रही थी जिससे नॉर्मल जिंदगी ठीक से नहीं गुजर रही थी, वो दिक्कतें अगर कम होने लगती हैं, चाहे वो फ्रोजन शोल्डर हो, चाहे वो फ्रोथी यूरिन हो, चाहे वो यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो जिससे खुजली हो रही है, पेन हो रहा है, चलन हो रही है, उसमें कमी आने का मतलब आप ठीक हो रहे हैं। और हमारा रोल सिर्फ इतना है कि हम बॉडी को एक अच्छा सा माहौल दे दिया, अब ये बॉडी इस पेड़ की तरह है, उसको बढ़ने दो, कौन सी शाखा पहले बढ़ेगी कौन सी शाखा बाद में बढ़ेगी वो बॉडी पे छोड़ो, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको दिखेगा तो वो आपको मोटिवेशन बना रहेगा, ठीक है ना। जिस तरह से आज दो चीज़ें आप ठीक होने लगी तो आप उम्मीद कर सकते हैं कल तीसरी चीज़ भी ठीक हो जाएगी। जिन लोगों ने सेंसर लगाया है यहाँ पे तो उनके ब्लड शुगर की रीडिंग हर 15 मिनट में रिकॉर्डिंग होती है यहाँ पे, 3 मिनट राइट। तो कल की रीडिंग क्या है, रात भर की रीडिंग क्या है, वो आपको देखाऊंगा।
जितना ब्लड शुगर दिन में ज्यादा होगा उतना रात में ब्लड शुगर नीचे चला जाता है। कितना ऐसा भी होता है जो मैंने आज देखा, आपने से कुछ लोगों का 40 तक चला गया, समझ सकते हैं 40 जो इंसुलिन ले रहे 40 तक 40 एमजी पर डेसिलीटर, यानी कि बहुत कम, इससे और थोड़ा कम जाएगा तो कोमा में ही चले जाएंगे, समझ रहे। तो अगर हम साथ ही साथ दवाइयों को टेम्पर डाउन ना करें तो, और आधी रात को तो हम ब्लड शुगर चेक करते ही नहीं है, कुछ लोगों का सेंसर है तो हमें सुबह पता चल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि इट इज ड्रॉपिंग टू लो। आपने स्पंज का बॉल देखा है, जितनी जोर से नीचे देखेंगे उतना ही ऊपर जाता है ना, रिवर्स इफेक्ट, इसे कहते हैं मेडिकल भाषा में डॉन फिनोमेना, दवाइयों डायबिटीज के कॉन्टेक्स्ट में। जितना नीचे ब्लड शुगर जाएगा आधी रात को उतना ज्यादा बढ़ावा देंगे का फास्टिंग ब्लड शुगर, और फास्टिंग ब्लड शुगर जितना ज्यादा दिखेगा आप क्या करेंगे, उतनी दवाई ज्यादा लेंगे।